हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बात तो सबको पता है, लेकिन जैसे ही हेल्दी खाने की बात आती है तो सबकी आंखों के सामने एक बहुत ही बोरिंग से फूड की पिक्चर क्रिएट हो जाती है। और अगर हम बोल दें ओट्स तो ऐसा लगता है यक। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी इंस्टेंट ओट्स की रेसिपी है विच टेस्ट जस्ट लाइक डेजर्ट, तो कैसा रहे? तो हेलो होम कुक्स, वेलकम बैक टू वेज देसी अरोमास। आज हम बनाते हैं अ वेरी हेल्दी एंड यमी ओवरनाइट सोक ओट पैराफिन। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े कप में डालेंगे 7 to 8 टेबलस्पून्स ऑफ रोल्ड ओट्स। उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून्स ऑफ चिया सीड्स और उसमें 1.5 कप मिल्क डाल के इसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अब हम इसे सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फॉर मिनिमम 2 आवर्स इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखिए और उसके बाद देखिए ओट्स सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेंगे और चिया सीड्स भी फूल के डबल हो जाएंगी। अब हम साथ में कट कर लेंगे थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स। यू कैन टेक एनी चॉइस ऑफ फ्रूट्स जो आपके घर में अवेलेबल हैं। मेरे पास थी कीवी, इसे हम थिनली स्लाइस कर लेंगे। कीवी इज़ रिच इन विटामिन सी। Along with this, I am taking dragon fruit. इसके भी thin slices cut कर लेते हैं और साथ में 4 to 5 strawberries, जिसे हम thinly slice करेंगे। Strawberries और dragon fruits दोनों ही बहुत ही अच्छे antioxidants होते हैं। Fiber के लिए ले लेते हैं apple and pear, जिन्हें हमने roughly chop किया है। और बस let us start assembling. बेसिकली फंडा क्या है कि अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, बस 4 से 5 फ्रूट्स हो जाए ताकि जो ये डिश है इसमें स्वीटनेस आ जाए और साथ ही साथ फाइबर भी आ जाए। अब बच्चों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, एक फैंसी सा कोई ग्लास ले लेते हैं और उसमें बेस में लगाएंगे सबसे पहले ये सोक्ड ओट्स एंड चिया सीड्स की 1 टेबल स्पून। उसके ऊपर साइड्स में अरेंज करेंगे थोड़े से फ्रूट्स, ये लगाया ड्रैगन फ्रूट, इसके नीचे थोड़ा सा कीवी लगा देते हैं ताकि जो ग्लास से बच्चे साइड से देखें तो उन्हें एक ब्यूटी दिखे। और साथ में अरेंज कर देंगे स्ट्रॉबेरीज को भी इसी तरह साइड्स में से। थोड़े से फ्रूट्स हम ऊपर भी टॉप अप कर देते हैं, लेट अस पुट सम कीवी एंड स्ट्रॉबेरीज हियर। वाओ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इसके ऊपर डालते हैं 2 generous tablespoons ऑफ दिस सोक्ड चिया सीड्स एंड ओट्स मिक्सचर। इसके ऊपर टॉप अप करते हैं थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे, एप्पल एंड पियर। आप गुआवा, पाइनएप्पल या कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ फॉर प्रोटीन कंटेंट मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स। आप कोई भी नट्स और सीड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस की। साथ में मैंने डाला स्वीटनेस के लिए फिक्स और ड्राइड एप्रिकॉट्स, इन्हें भी रफली कट करके डाला है। आप चाहें तो डेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी। मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड नहीं किया है। एंड में लेट अस टॉप इट विद सम योगर्ट। मैंने फ्रेश घर का जमा हुआ दही लिया है, आप चाहें तो फ्लेवर्ड योगर्ट भी ले सकते हैं। इसी डिश को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसे हम एक प्लेट में प्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैं खाना पसंद करती हूँ, सो दैट आई कैन मिक्स माई इंग्रीडियंट्स। देखिए सेम प्रोसेस है, हमने डाला इसमें ओट्स का मिक्सचर, साथ में रखे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा हाँ, मैंने थोड़े से ना बादाम भी रात को भिगो के रखे थे, तो ये सोक्ड आलमंड्स भी हम दोनों ही डिशेस में डाल देते हैं, प्लेट में भी और फैंसी ग्लास में भी। अब क्या रह गया, हाँ दही, घर का जमा हुआ ठंडा ठंडा बढ़िया सा दही, या आप चाहें तो जैसे मैंने पहले भी कहा फ्लेवर्ड योगर्ट डाल सकते हैं। बट अभी भी ना कुछ मिसिंग लग रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें क्रंच ऐड कर लेते हैं। और उसके लिए या तो आप कोई भी ग्रनोलास डाल सकते हैं क्रश करके, या फिर मेरी तरह घर की जो मैंने होममेड म्यूजली बनाई है वो डाल सकते हैं। इस म्यूजली को भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। एंड ये डाली मैंने म्यूजली इन दोनों के ऊपर एंड टाडा, आवर यमी यमी ओट्स पराफे इज़ रेडी। फ्रेंड्स जल्दी से खाइए और मुझे बताइए कि कैसे लगा। दिस इज़ अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर योर डे। इसमें आपके पास फ्रेश फ्रूट्स आ गए, फाइबर आ गए, ड्राई फ्रूट्स का प्रोटीन आ गया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और कहने को तो हमने ओट्स खाए पर लग रहा है जैसे कोई बढ़िया सा इंटरनेशनल डेजर्ट खाया हो। तो डू ट्राई दिस रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पे अपनी पिक्चर शेयर कीजिए, आई वुड लव टू सी देम।
एंड इफ देर इज एनी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बना के शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एट द एंड फ्रेंड, डू नॉट फॉरगेट टू शावर योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी सभी रेसिपीज़ के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, जो आपने रिक्वेस्ट की है और मैंने आपके लिए बनाई है। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।